जिस तरह बोस्टन एयरपोर्ट पर अमेरिकन जांच एजेंसी ने आजम खां की चेकिंग की थी, उसी तरह मतगणना स्थल पे होगी। आजम की चेकिंग कांग्रेस नेता फैसल लाला आज जिलाधिकारी से की मुलाकात। कहा सपा प्रत्याशी, आजम खान अपराधी गुंडे और दबंग प्रवृत्ति के लोगों को मतगणना एजेंट बनाने की फिराक में है, जिसको रोका जाए। देखिए, आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है और 23 मई को जो मतगणना होना है उस संबंध में मैंने एक उनको लेटर सौंपा है। मेरा कहना यह है कि जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सत्ता होती है और चुनाव आता है, तो चुनाव में जो मतगणना होती है उसमें आजम खान के जो समर्थक गुंडे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको एजेंट बनाया जाता है। वो लोग हथियारों से लैस होकर अपनी सरकार में मतगणना स्थल तक जाते हैं और खुद आजम खान दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो वहाँ पर जाकर हमेशा की तरह माहौल खराब करते हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय से यह आग्रह किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को एजेंट ना बनाया जाए जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों या गुंडे और दबंग प्रवृत्ति के लोग हों। साथ ही आजम खान जब मतगणना स्थल पर पहुंचे तो उनकी उसी अंदाज में चेकिंग होना चाहिए जिस तरह से बोस्टन एयरपोर्ट पर अमेरिकन जांच एजेंसी ने आजम खान की थी। तभी आजम खान की गुंडागर्दी और उनके समर्थक की गुंडागर्दी को रोका जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे और किसी भी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति को बिना संगीन चेकिंग के अंदर नहीं जाने देंगे।